हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु। मैं जितेंद्र। दोस्तों, आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं मोटरसाइकिल डैश कैम अपने इंटरसेप्टर में। किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है वो तो इस वीडियो में दिखाऊंगा। साथ ही साथ इसको जो है टेस्ट भी करेंगे, एक्चुअल में क्या अपनी जर्नी को कैप्चर करने के लिए काम आ सकता है एंड कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है, कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, क्या ये वर्थ है या नहीं, वो सारी इंफॉर्मेशन ना इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो का आप देखिए। चलिए जानते हैं। तो पहले जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर आता है। तो दोस्तों, बॉक्स के बाहर आपको दिख रहा होगा दो आगे और पीछे फ्रंट एंड रेयर दोनों के लिए ही डैश कैम है। ये इसका यूनिट है, किस तरह से इसको यूज़ करते हैं वो आगे दिखाया जाएगा। मार्सी लाइन ब्रांड का है, M1000 ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर बाकी साइड की डिटेल्स और इस साइड में रेयर में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। चलो जल्दी से इसको ओपन करते हैं एंड देखते हैं अंदर क्या क्या आता है इसके। तो दोस्तों, ये है मेन यूनिट जो कि बॉक्स में आती है एंड यहाँ पे एक कैप्चर का दिखा रहा है, यहाँ लॉक का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर इंडिकेटर्स है एंड यहाँ पे जो आपका मेमोरी कार्ड जो है डलेगा इसके अंदर। ऑलरेडी जो है 32 GB का मेमोरी कार्ड साथ में आता है, इसमें आप चाहे तो इंक्रीज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से एंड कुछ कनेक्शन दे रखे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये दो जो है ये रेयर के कनेक्शन के लिए है, फ्रंट एंड रेयर के लिए कनेक्शन के लिए कैमरा के लिए, और ये मेन लाइन है इसके पावर को देने के लिए। तो ये आएगा इसके रेयर में फिटिंग के लिए, ये पार्ट दे रखा हुआ है दोस्तों। एंड यहाँ पर ये फ्रंट का कैमरा है शॉर्ट केबल के साथ में एंड जो लॉन्ग केबल दिया हुआ है ये रेयर का कैमरा है। इसकी क्वालिटी चेक करेंगे एक्चुअल में, कैमरा की क्वालिटी कैसी, क्या पता मोटो ब्लॉगिंग का काम भी ये आ जाए, तो वो भी हम एक बार देखेंगे कि एक्चुअल में इसकी क्वालिटी एक्चुअल में कैसी है। एंड ये है जो इस यूनिट को पावर देने कनेक्शन के काम आएगा, तो इसको इंस्टॉल करेंगे। साथ में और भी फिटिंग्स दी हुई हैं छोटी मोटी, जो कि आपको कोई भी और टूल की जरूरत नहीं है। साथ में टूल्स वूल्स भी इसके साथ मिल जाता है, एलन की भी मिल जाती है, जिप टाइज भी जो है दिए हुए हैं, कुछ स्क्रू दिए हुए हैं जो इसके पीछे जो ये क्लैंप फिटिंग के लिए होगा वो फिटिंग करने के लिए। एंड एक मेटल का क्लैंप और भी आते हैं, चाहे तो आप नॉर्मली कहीं और इंस्टॉल करना है इसको तो भी कर सकते हैं, तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन भी इसके अंदर दे रखा हुआ है। तो दोस्तों, पहले हैंडल बार में ये यूनिट जो है इंस्टॉल करते हैं। इसको मैं यहां इंस्टॉल करने वाला हूं ये लोकेशन पे। दोस्तों, रेयर का जो कैमरा है इसको मैं यहां इंस्टॉल करने वाला हूं। यहाँ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे तो यहां से बॉटम में यहां पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके पीछे 2-way tape आता है 3M का, देख सकते हैं, तो आप यहाँ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ इंस्टॉल करने वाला हूँ ताकि विजिबिलिटी जो है वो प्रॉपर है एंड ये प्लेन सरफेस भी है। ये फ्रंट डैश कैम, इसको मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ यहाँ पर इस लोकेशन में। फिर थोड़ा इसका मुंह जो है ऐसा नीचे की तरफ में एडजस्टमेंट जो है इसके अंदर है ऑलरेडी। तो दोस्तों, ये है वायरिंग एंड ये जो है मेन यूनिट जो है उसमें लगेगा एंड बाकी वायरिंग में भी ना इसमें सब डिटेल जो है मेंशन ही है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये एसेसरीज लिखा हुआ है, ACC जो होता है एसेसरीज का वायर है, एसेसरीज में फिट करना है। ये बैटरी के पॉजिटिव में जो है फिट होगा एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड, इसको ग्राउंड करना है, ठीक है। तो मतलब सब वायरिंग पे कोडिंग जो है मेंशन ही है, तो इसको भी जल्दी से हम करते हैं वायरिंग। तो ये बैटरी पॉजिटिव लिखा हुआ है एंड इसके अंदर यहाँ पे फ्यूज़ भी है, तो इसको जो है इंस्टॉल करने वाले हैं पॉजिटिव में। तो ये रहा बैटरी। एंड दोस्तों, ये है ग्राउंड वायर, इधर पे लिखा है ग्राउंड, तो इसको मैं इस बोल्ट के नीचे जो है लगा दूंगा। तो इसको मैं थोड़ा ढीला कर दूंगा, यहाँ पर लूज कर दिया, यू है तो डायरेक्टली मैंने डाल दिया इसको और यहां से हम इसको टाइट कर देंगे। तो ये हो गया है और एक वायर जो है मुझे एसेसरीज में देनी है, जो कि मैं रेयर का जो टेल लाइट है उससे देने वाला हूं। ये एसेसरीज का कनेक्शन जो है मैं रेयर टेल लाइट से दे रहा हूं। तो दोस्तों, ये मेन कनेक्शन है, ये वायरिंग जो आ रही है ये यूनिट में से आ रही है, तो कनेक्ट करना इजी ही है, जस्ट आपको मैच करना है कुछ ऐसे
एंड पुश करिए एंड इसको यहाँ से थ्रेड चढ़ा दीजिए। ये कनेक्शन हो गया मेन कनेक्शन एंड उसके बाद रेयर कैमरा का जो है ना कनेक्शन, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि रेयर कौन सा लगा। ये फ्रंट है और ये रेयर है, तो दो लिखे हैं, तो दोनों में नंबर जो है मैच कर लीजिए एंड उसके बाद से इंस्टॉल करिए। तो मैंने कहा था कोई भी वायर कटिंग नहीं होगा, तो आपने देखा कोई भी वायर कटिंग नहीं हुआ एंड ये सारी जो है वायरिंग हो चुकी है। तीन कनेक्शन आते हैं, ये बैटरी से दिया हुआ है और ये दो कैमरास के। तो अब जल्दी से टेस्ट करते हैं इसको। तो दोस्तों ये जो इंस्टॉल हो चुका है आप देखते हैं डैश कैम का मेन यूनिट एंड यहाँ आपको फ्रंट कैमरा दिख रहा है, यहाँ की भी सारी वायरिंग हो चुकी है। यहाँ पर अभी मैस है, इसको अच्छे से जो है फोल्ड करके प्रॉपर तरीके से करेंगे एंड यहाँ रेयर कैमरा, इसकी वायरिंग अभी सिर्फ टेस्टिंग का टाइम है। और इसका जो है ना आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एक ऐप से के थ्रू ही जो आप इसको प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए है, iOS दोनों के लिए है। तो ये स्कैनर है यहाँ पर, ठीक है, इसे अगर आप टाइप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो रोड पे भी टेस्टिंग करेंगे, थोड़ा सा डिटेल दे दूँ इसके बारे में। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ना ये इंडिकेटर लाइट है, तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे ना तो यहाँ पर एक साउंड भी आता है एंड एक लाइट भी आती है। अभी लाइट जल जाएगी, एक साउंड लाइट साउंड सी आती है। यहाँ पर ये माइक है, ये लॉक बटन है एंड यहाँ पर ये कैमरा बटन जो है दिया हुआ है, यहाँ ब्रांड लोगो है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो इसमें GPS भी है, GPS, चलो zoom हो जाओ, ये देखिए GPS भी है, जिससे कि आपका स्क्रीन पे ही जो है आपका लोकेशन भी दिखाता है। जैसे ही रिकॉर्ड होता है तो उसका टाइमिंग, डेट टाइमिंग और सारा लोकेशन जो है वो भी जो है इसके अंदर दिखाता है। तो अब इसको जल्दी से रोड पे टेस्ट करते हैं। जैसे ही आप इसको बंद करेंगे ना तो ये भी थोड़ी देर बाद बंद होता है, थोड़ी देर बाद ये भी ऑटोमेटिकली एक साउंड के बाद बंद हो जाएगा। अब आ जाती है टेस्टिंग की। दोस्तों टेस्टिंग ये रोड पे आप देखते हैं, ये डे टाइम का है, थोड़ा रेनी वेदर है तो थोड़ा सा आपको लाइट जो है डल दिखाई दे रही होगी, बट क्लैरिटी में बोलता हूँ डिसेंट है। कई सारे नंबर्स जो गाड़ी के हैं ना वो क्लियर हो रहे हैं एंड साथ ही साथ मैंने इसको जो है नाइट में भी टेस्ट किया हुआ था एंड नाइट में भी मैं बोलता हूँ कि इसकी जो क्लैरिटी आ रही है वो डिसेंट आ रही है। एंड अगर आप नाइट का भी फुटेज आप देखेंगे तो नाइट में भी आप देखते हैं कि वीडियो क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी बेटर है। इवन इसकी जो फोटोज़ भी है ना दोस्तों उसकी भी क्लैरिटी आपको डिसेंट मिल जाती है, आप इसमें फोटो भी कैप्चर इजीली कर सकते हैं। तो ये बोलता हूँ कि एक प्रॉपर डैश कैम है, अगर आप एक्शन कैम की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर एक्शन कैम की तरह नहीं कर सकते, बट अगर आपको वीडियो फुटेजेस चाहिए अपनी राइड वाइड की तो उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा मोटरसाइकिल डैश कैम का टोटली इंस्टॉलेशन एंड इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी है, कुछ वायर को सिर्फ जोड़ना ही है एंड मैंने अभी जो है इसका क्वालिटी टेस्ट भी किया। तो आपने देखा कि इसकी जो क्वालिटी है, जो वीडियो क्वालिटी है वो भी डिसेंट आ रही है, कई सारे एक्शन कैमराज से बेटर जो है इसमें आती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि GoPro जैसा आती है, जैसे हीरो GoPro आता है वैसे आती है, बट थोड़ा सा जो है अच्छी क्लैरिटी जो आपको मिल जाती है एंड आप जो है मल्टीपल जगह से और भी प्लेसमेंट कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छा फुटेज मिले, जहां वाइब्रेशन कम हो वहां पे भी आप जो है प्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ फीचर्स की बात की जाए तो मेन फीचर है ये वाटरप्रूफ है। बहुत सारे लोग पूछने वाले हैं कि पानी में भीग के जो है गीला नहीं हो जाए या फिर ख़राब ना हो जाए, तो ये टोटली वाटरप्रूफ है इसके कैमराज यूनिट सभी के सभी। एंड साथ ही साथ दोस्तों इसमें जी सेंसर्स भी आते हैं, तो बाई चांस अगर आपकी बाइक कोलैप्स होती है, गिरती है, तो दोस्तों वहाँ पर जो फुटेज होगी वो लॉक हो जाती है, तो ये भी अच्छा है। एंड साथ ही साथ एंटी थेफ्ट का भी काम करता है, अगर बाइक ज़्यादा मूव वूव कर रहा है ना तो भी दोस्तों इसमें फुटेज जो है वो लॉक हो जाती है, कोई अगर छेड़खाड़ी भी कर रहा है तो भी इसमें लॉक हो जाती है। एंड इसमें GPS सेंसर भी आता है, जिससे कि दोस्तों अगर जब आप राइड कर रहे हैं तो डेट एंड टाइम के साथ में लोकेशन जो है वो भी जो है इसमें मार्क करके दिखाता है। तो ये कुछ फीचर्स थे आपके एंड दोस्तों ये चाइना से मंगाया हुआ है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो ये चाइना से मंगाया हुआ है, $199 का है। कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक वहां से आप जाके बाय कर सकते हैं। जेन्युइन प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग चाइना से प्रोडक्ट मंगाने में डरते हैं, बट पहले जो है बहुत सारे राइडर्स जो है वहां से ही प्रोडक्ट मंगाते थे। तो इन फ्रंट एंड रेयर का डैश कैम अगर आप लॉन्ग शॉट राइड करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ वीडियो कैंड करते हैं, फिर भी कोई डाउट इंक्वायरी कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है, यहाँ वीडियो कैंड करते हैं, बाय।